पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में भगवान राम और उनकी अयोध्या नगरी सुर्खियों में है। कृष्ण की नगरी मथुरा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार शुरू कर दिया है। महादेव की राजधानी काशी से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन चुनावी चर्चा एक राज्य मणिपुर के बिना अधूरी है। मणिपुर जो भगवान कृष्ण की ससुराल है, जहां से उनकी अर्धांगिनी रुक्मणी जी आई थी। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम अपने इस खास शो में चर्चा करते हैं मणिपुर के लोकसभा चुनाव की। मणिपुर वैसे तो पिछले साल 3 मई से सुर्खियों में है, जब मणिपुर में पहली बार हिंसा भड़की। मणिपुर में साल भर बाद भी हिंसा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। रह रहकर मैतई, कुकी और नगा समुदाय के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती हैं। इस बीच लोकसभा के चुनाव भी आ गए हैं। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और इन पर 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के शिविरों में रह रहे लोगों के लिए खास इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने एक खास योजना बनाई है ताकि राहत शिविरों में रह रहे मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। अबाउट मणिपुर, क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट मणिपुर, व्हाट वी विल डू, देयर आर पर्संस हु आर डिस्प्लेस्ड, हु आर इन दी कैंप्स। वी हैव ड्रॉन ए स्कीम व्हिच वी हैव नोटिफाइड। दैट स्कीम इज नोटिफाइड टू allow the voters in the camp to vote from the camp. जैसे migrants के लिए J&K में वो स्कीम है, ऐसे ही यहां पर भी उस स्कीम को लागू किया गया है। एंड द वोटर्स वुड बी अलाउड इन द रेस्पेक्टिव कैंप्स फ्रॉम द लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द हायर एंड हायर टू द लोअर। बट माई अपील टू द वोटर्स इज दैट Let us decide, throw the ballot peacefully by participating in these elections. We'll make the arrangements. मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, एक इनर मणिपुर और दूसरी आउटर मणिपुर। दोनों लोकसभा सीटों को मिलाकर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवार तो इनर मणिपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनर मणिपुर को मैतई समुदाय बहुल माना जाता है। यहाँ मैतई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर रंजन कुमार राजकुमार सांसद थे। ये मोदी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है। इनकी जगह मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार में मंत्री थानजुम बसंत कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। I am so privileged, honored, and I humbly accept the BJP ticket given by our honorable Prime Minister, honorable Home Minister, honorable President of the party. It is my honor and privilege, and of course, with the blessings of my leader, Honorable Chief Minister, I think we will definitely emerge victorious with a huge margin. असली समस्या आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर है। इसी इलाके ने पिछले साल 3 मई से सबसे ज्यादा हिंसा झेली है। आउटर मणिपुर में 20,29,601 वोटर्स हैं, लेकिन इनमें कितने वोटर वोट डाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल आम जनता से लेकर चुनाव आयोग तक सभी के सामने बना हुआ है। हिंसा के बाद आउटर मणिपुर में 349 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें अपने घरों से विस्थापित 58,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इनको वोट डालने का चुनाव आयोग कैसे इंतजाम करेगा, ये बड़ी चुनौती है। इनमें ज्यादातर का आंकड़ा फिलहाल चुनाव आयोग के पास नहीं है। पहले चरण की वोटिंग में करीब 15 दिन बचे हैं, लेकिन हजारों विस्थापितों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल हिंसा में जिन्होंने घर छोड़ा, उनमें कईयों के दस्तावेज आगजनी में जला दिए गए थे। बीते 3 महीनों में ज्यादातर ने प्रशासन की मदद से वोटर कार्ड तो बनवा लिए, लेकिन अभी भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है। मणिपुर का लोकसभा चुनाव देश ही नहीं, पूरी दुनिया की सुर्खियों में है, और इसीलिए चुनाव आयोग भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। चुनाव आयोग ने 27 मार्च को एक नोटिस निकालकर विस्थापितों से अपील की थी कि वो रिलीफ कैंप के नोडल ऑफिसर से आईटी फॉर्म लेकर उसे जमा करें। इससे उन्हें पोलिंग बूथ पर ही मतदान करने की सुविधा मिल पाएगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि देश में कहीं भी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन वो पूरी निष्पक्षता से चुनाव कराएंगे। देश के चुनाव को किसी भी कीमत पर बदनाम नहीं होने दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने नोडल अफसरों के जरिए विस्थापितों के लिए किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ से वोटिंग का इंतजाम किया है। इसे एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। मणिपुर में सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पूरे राज्य में 36,000 सुरक्षाकर्मी और 40 आईपीएस तैनात किए गए हैं। पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में कुल 129 चौकियां स्थापित की गई हैं। इम्फाल वैली मैतई बाहुल है, ऐसे में यहां रहने वाले कुकी लोग आसपास के पहाड़ी इलाकों में बने कैंप में रह रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मणिपुर में लोकसभा चुनाव शांति से संपन्न हो जाते हैं तो ये वहां के लोगों के लिए किसी मरहम से कम नहीं। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतई, नागा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं, नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ये एसटी वर्ग में आते हैं। पिछले साल मैतई समुदाय को एसटी में शामिल करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो मणिपुर जल उठा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतई को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया जाए। इसके बाद तीनों समुदायों में आपसी वैमनस्य इतना बढ़ा कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस पर राजनेताओं ने आग में घी डालने का काम किया। विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर के मसले को सियासी हवा दी। विपक्ष के नेता सवाल उठाते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर मौन क्यों हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मणिपुर से शुरू किया तो उसमें मणिपुर और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ खूब हो हल्ला हुआ। मणिपुर साल भर में बहुत दर्द झेल चुका है। भगवान कृष्ण के ससुराल कहे जाने वाले मणिपुर का प्रेम और सौहार्द का इतिहास रहा है। मणिपुरी कलाओं और संगीत में प्रेम की मीठी खुशबू बहती है। हम उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव से हमें फिर साल भर पुराना वाला मणिपुर देखने को मिले। तो सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।